ASN24 पल पल की खबर। लॉकडाउन में फंसी गर्भवती महिला के लिए प्रदेश की मुखिया से मदद की गुहार लगाते हुए युवक का यह वीडियो तेलंगाना हैदराबाद के विद्यानगर पद्मा कॉलोनी में फंसे उन गरीब मजदूर परिवारों की है जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रदेश सरकार से भोजन पानी की व्यवस्था कराने के साथ ही जल्द से जल्द गृहग्राम पहुँचाने की अपील की है। दरअसल अपने परिवार के साथ रोजी मजदूरी करने के लिए प्रदेश के हजारों मजदूर देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। यह मजदूर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने लागू लॉकडाउन की वजह से अपने कार्यस्थल पर ही भूखे प्यासे रहने को मजबूर है। इस वीडियो में युवक मदद मांगते हुए कह रहा है कि 50 से 60 की संख्या में हम लोग तेलंगाना हैदराबाद के विद्यानगर पद्मा कॉलोनी में फंसे हुए हैं। यहां खाने पीने का इंतजाम नहीं है। इन मजदूरों के साथ ही कुछ गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें इस वक्त पौष्टिक आहार दवाइयों के साथ ही नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की अति आवश्यक है। ये सभी सुविधाएं एक गर्भवती महिला को समय समय पर नहीं मिला तो जच्चा बच्चा दोनों ही सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल मजदूरों की सांस इसी आस में अटकी है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार उनको गृह ग्राम पहुंचाने के लिए उचित व्यवस्था के साथ उनके लिए दाना पानी का इंतजाम भी करेगी जिससे किसी भी मजदूर की भूख से जान ना निकले। मुख्यमंत्री का निवेदन है कि हमारे गरीब मजदूर डाले साधन निमंत्रण है कि हम हैदराबाद में फंसे हुए हैं और हमर मन के खाए पिए के व्यवस्था नहीं हो पाते थे। तो हमन आप मन ले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ला निवेदन करत हैं भूपेश बघेल जिला कि यहाँ लेडीज भी है वे जो प्रेग्नेंट है वे और प्लस छोटे छोटे बच्चा है वे तो हमन हैदराबाद में फंसे हैं। मुख्यमंत्री जिला ये निवेदन करत हैं हमन कि आप मन खाए पिए के व्यवस्था करो नहीं तो फिर हम घर जाके व्यवस्था करो। हमन हैदराबाद में हेवन आप मन ला निवेदन है कि हमर मन के हमन तेलंगाना हैदराबाद विद्यानगर पद्मा कॉलोनी में रहथन 50-60 आदमी हेवन आप मन ले साधन निमंत्रण है कि हमन मन के कुछ भी हालत से किसनों भी हमन मन के व्यवस्था करो। जय हिंद जय जोहार। KSN 24 न्यूज के लिए कोरबा से संतोष दीवान की रिपोर्ट।